चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और अगर गांव में कोई भी लीडर आवे, किसी भी पार्टी का आवे, वह हम वोट देने के नहीं। किसान को मतलब जो है आंदोलन के लिए मजबूर करा जा रहा है। मिल मालिक है, मिल प्रबंधन है, उन्होंने किसानों को पूरे साल की फसल लूट ली। और उन्हें ये सुझाव दिया था, हम आपके साथ सब कह गए थे, अरे साथ तो रहे, अगर हमारे जो लगते है जो मांग है वो तो नहीं पूरी हुई, ऐसा साथ होने का क्या मतलब रहेगा जब जो हम मांग रहे वो हमने नहीं मिला। भाई आग पार की करनी पड़ेगी विनोद निजवाल जी, आग पार की कैसे होगी, सामने जुगड़ते थे बदलाव करनी होगी, किसान का सिर फूटेगा, एक तरफ प्रशासन का सिर फूटेगा तो हमारा पैसा हमारी चोटी में आ जाएगा, अन्य कोई पैसे देने वाला नहीं है। एक बोला बाला किसान सड़कों पर बैठकर चार साल से तबाह हो गया है। के लिए 500 आदमी है, एक के घर में चार लगा ले, गुणा कर ले। 14 दिन का वो था और सब मिलों ने कर दिया, अगर यूनियन लाख मिल ऐसा है और जिसने पेमेंट नहीं करा हमारा, और भाई मैं तो कहूँ दिन पे दिन तादाद बढ़ाओ यहाँ, और जो कुछ भी होगा, और अगर गांव में कोई भी लीडर आवे, किसी भी पार्टी का आवे, मनु नहीं कहता, और भाजपा का आवे, लोकदल का आवे, किसी भी पार्टी का आवे, भाई हम वोट देने के नहीं। वो भी मेरिट के बाद नहीं ठहरे वहां पार्लियामेंट में, सब औपचारिकता कर रहे है जी। पट्टी के ख्याल तो किसान त्रस्त है, मजबूर है, किसान अपने भुगतान की बाढ़ देख रहा, किसान बर्बादी के कगार पे है। शामली जिले में 3 शुगर यूनिट है, थाना भवन शामली ऊन, 850 करोड़ करीब भुगतान इस पे है जिले पे, और शामली शुगर मिल पे 300 करोड़ का भुगतान है, और 300 करोड़ में इनके पास 100 करोड़ की चीनी है जिसका 85% ये करेंगे। इन्होंने साफ कह दिया आज पंचायत में, जिला गन्ना अधिकारी हैं, सचिव साहब हैं, अधिकारी मिल के हैं, कि अगला सत्र शुरू होगा उसकी चीनी बनेगी तब पिछला भुगतान करेंगे। शासन जो है, शासन ने भी आश्वासन दिया था 14 दिन में गन्ने का पेमेंट दिलवा देंगे, उसने भी दिलवाया, कई बार इसने भी आश्वासन दे लिया, अब हम जल्दी से जल्दी पेमेंट कर देंगे, यू नहीं दे रहा तो किस पे विश्वास करे किसान। जो इसकी कमेटी बनाएगी सरकार, जब चुनाव आवे बहुत मीठे मीठे आश्वासन और वादे करे, उन वादों में तो इन किसानों को एक बिंदु भर भी कोई चीज प्राप्त नहीं हुई, एक भी आश्वासन मत है। जो नेता लोग आए वे वोट लूट लेंगे, मिल मालिक है, मिल प्रबंधन है, उन्होंने किसानों को पूरे साल की फसल लूट ली। लूटना मैं इसलिए कहूंगा कि कोई एक रुपया वापस देने वाला नहीं है, अपनी मर्जी अपने भाव पे खरीद लिया, अपने भाव पे खरीदने के बावजूद भी कोई एक रुपया देने वाला नहीं है। इस पूरे जिला शामली में कोई व्यापारी हो, कोई अधिकारी हो, कोई कर्मचारी हो, ऐसा कौन भाई का लाल है जो एक साल की तनख्वाह अपनी छोड़कर लूका जगह मैं भटका लेडी शुरू कर दूंगा। और किसान पे क्या ऐसा जादू है, वो कुछ भी नहीं, उसकी आमदनी में तो एक पैसा उसे नहीं मिला, अगर वो जिंदा फिर भी रह लगा। किसान को मतलब जो है आंदोलन के लिए मजबूर करा जा रहा है, किसान को फुर्सत ही कहां आंदोलन करने की, ये तो एक बहुत भारी मजबूरी है, मजबूरी में बैठा है किसान यहाँ पे, कौन बैठने वाला है, मतलब केवल मजबूरी में है, और इस दशा में आम किसान है यहाँ पे, मरने मारने की दशा में है, आप ये मान लीजिए, मतलब ये है मिल मालिक तो मजा ले रहे हैं, विदेशों में घूम रहे हैं इस किसान के पैसे से, इसी किसान के पैसे से मजा ले रहे हैं पूरा तंत्र, और ये किसान मरने के कगार पे है, इसी को सुनने वाला नहीं है। आगे क्या रणनीति होगी आपकी किसान? रणनीति जो भी हो, जैसे भी हो, पेमेंट चाहिए, कोई रणनीति हो, कोई रणनीति नहीं हमारी, कुछ भी करना पड़े चाहे, पेमेंट चाहिए, वरना इसकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी इस मिल की। और हमारा हथियार, हमारी क्षमता सारी यही है, हम सब उपस्थित रहेंगे, लड़ेंगे।